हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे पहले ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है और मैं कैलिस्थेनिक ट्रेनर हूँ। मैं 8 साल से कैलिस्थेनिक कर रहा हूँ। कैलिस्थेनिक एक ऐसा वर्कआउट होता है जिसके अंदर हम लोग बहुत ही कम इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं और अपनी बॉडी के वेट के साथ ही वर्कआउट करते हैं, यानी बॉडी वेट वर्कआउट करते हैं सारा का सारा। तो दोस्तों, हमें अपने ब्लॉग्स के थ्रू आप लोगों को कुछ ऐसे वर्कआउट ही सिखाने वाला हूँ जिससे आप लोग बिना किसी इक्विपमेंट्स का यूज़ करके घर पर ही रहकर या फिर किसी पार्क में जाकर अपनी बॉडी को बना सकते हो। तो दोस्तों, उसी तरह का वर्कआउट आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि हमारा पुशअप्स का वर्कआउट है, जिससे हम लोगों की अपर बॉडी बहुत जल्दी बिल्ड होती है और साथ ही साथ आप उससे हैंडस्टैंड पुशअप और हैंडस्टैंड जैसी स्किल्स भी सीख सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना जैसे कि आपको हर एक एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, ये देखिए, ये जगह मेरी एकेडमी के छत है जहाँ पर मैंने थोड़े से बार लगवाए हुए हैं, क्योंकि जब भी मेरे को खुले में वर्कआउट करने का मन करता है तो मोस्टली आके मैं यहीं पर ही वर्कआउट करता हूँ। ये मेरी फेवरेट जगह है वर्कआउट करने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, क्योंकि वर्कआउट करने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा वार्म अप जरूर कर लेना चाहिए, जिससे कि हम वर्कआउट करें तो हमारे वर्कआउट करते टाइम किसी भी तरह की कोई भी इंजरी ना हो। और पुशअप्स का वर्कआउट करने से पहले एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये भी होती है कि आप लोगों को अपना रिस्ट का वार्म अप भी जरूरी ही करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग वर्कआउट करते हैं सबसे ज़्यादा लोड हमारी रिस्ट पर ही आता है। सबसे पहले हम लोग करेंगे पाइकोल्ड एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है जिससे हम लोगों को हैंडस्टैंड की सारी मूवमेंट बहुत अच्छे समझ में आ जाती है कि हम लोगों को हैंडस्टैंड में कितनी कमर को हिंज करना चाहिए, कितनी बॉडी को फॉरवर्ड करना चाहिए। देन हम लोग उसके बाद करेंगे थोड़ी सी पाइक पुशअप्स एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो हमारे हाथों की पावर को साथ ही साथ हमारे शोल्डर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। पाइक पुशअप्स कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग थोड़ी सी करेंगे डिक्लाइन पुशअप्स एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है जो कि हमारे हाथों की पावर को साथ ही साथ हमारी चेस्ट को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आप लोग भी घर पर डिक्लाइन पुशअप जरूर ट्राई करें, जो कि आपकी अपर बॉडी को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। डिक्लाइन पुशअप्स करने के बाद अब हम लोग करेंगे थोड़ी सी इंक्लाइन पुशअप्स भी डिक्लाइन पुशअप्स की तरह ही होती है, बट इसमें हम लोग हाथों को थोड़ा सा ऊपर रख के पुशअप्स करते हैं। तो अब हम लोग करेंगे थोड़ी सी डिप्स, बट डिप्स स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी बोझ उतार लेता हूँ, क्योंकि डिप्स करते टाइम बोझ हाथ में छुपती है और डिप्स हमारी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है जो कि हमारे ट्राइसेप को साथ ही साथ हमारे शोल्डर को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दोस्तों, ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था जिसके अंदर मैंने आप लोगों को थोड़ा सा अपना पुशअप्स का वर्कआउट दिखाया है। अगर आप लोग भी चाहो तो इस वर्कआउट को घर पर फॉलो कर सकते हो और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस। और आप लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा देखा उसके लिए थैंक यू सो मच।